for coming here, and the entire day has been very fulfilling. I'm very happy to be here. Thank you, Rocky Bhaiya, for releasing my movie and helping me become a successful actress today. And I'm very excited. So everybody, please watch my movie, I Love Desi, and we love you and we need your support. Thank you. बहुत अच्छा लगा प्रियंका के साथ, पूरी टीम के साथ बहुत मजा आया काम करने में. Excited हैं बहुत कि आज फिल्म में एक प्रीव्यू रख रहे हैं, फिल्म रिलीज हो रही है. अच्छी फिल्म बनी है, बहुत सबको देखनी चाहिए, मजा आएगा. मैं एक NRI लड़की का कैरेक्टर निभा रही हूँ जो इंडिया में नहीं पली बड़ी, जिसको इंडियन वैल्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता. शी इज़ कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, और ये कनाडा से इंडिया आती है, तो कैसे ये इंडियन कल्चर की तरफ प्रभावित होती है, कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, और बस हालात ही उसे इंडियन कल्चर को सराहना, बस शी जस्ट लाइक्स इट. सो आई थिंक सिचुएशनल ऐसी है जो इंडिया से इतना प्यार करने लग जाता है. आई लव देसी तो सबको पसंद है, हमें तो आई लव देसी वाले ही हैं, लेकिन ये फिल्म में क्या दिखाने वाले हैं वो देखने के लिए हम आए हैं. और हमारी फ्रेंड है बहुत क्लोज प्रियंका, इसके साथ हम लोग जोर का झटका किया था, और तब से ये नताशा प्रियंका हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे. तो आई प्रे कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी हो, अब जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा है, और आप सब भी जाके देखें आई लव देसी. उम्मीद तो बहुत है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, और लाकी भी होना चाहिए हम जैसे घर से आया. और ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है जो एक मूवी कर पाया और वो आज रिलीज़ हो रहा है. और जितना अच्छा होगा उतना बड़ा सेलिब्रेशन तो बाद में होगा, अभी मैं हम लोग सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो मूवी में मेरा फ्रेंड आ रहा है. और मेरा हम लोगों का उम्मीद है वो अच्छा करेगा और फिल्म अच्छा चलेगा. प्रियंका मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं, और मैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने आई हूँ आज उनकी मूवी के लिए आई लव देसी. बहुत ही सुना है, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही रोम कॉम मूवी है, विच एवरीबडी आई थिंक लाइक्स. सो इट्स फॉर यंगस्टर्स, इट्स गुड एनर्जी, यू नो, इट्स लाफ्टर विद रोमांस, एंड इट्स जस्ट यू नो लाइफ स्टाइल वी लिव. सो आई एम वेरी हैप्पी. I'm looking forward. मुझे पता चला था कि मूवी शी इज़ कमिंग द मूवी, सो शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एज वेल, एंड सेम टाइम शी इज़ माई क्लाइंट. सो वेन आई गॉट टू नो दैट शी इज़ कमिंग द मूवी आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज आई ऑलवेज गिव एंड थिंक गुड थिंग फॉर द पीपल हु आई लाइक, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड दैट मूवी गॉन अ रॉक. And like the first premiere, I suppose I'm gonna go for another 5-6 premieres of Prem. हमारी life romance से बिल्कुल filled है, तो इसलिए I'm looking forward for this movie because it is romance, it is laughter, it is you know something where you come out of stress and you want to just you know have a good time and have light moments when you can laugh and cheer and you know relate to your own life as well. So I think this movie relates to your own life. Because everybody has romance, everybody loves somebody or the other, and I'm really looking forward for the movie because some of the clipping I saw, and she's a very good actor, and I'm sure that people will definitely like this. So I request everybody, you know, you should go and watch this movie. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.